हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने वाली हूँ गुलाब जामुन की शाही सब्जी। गुलाब जामुन आपने स्वीट डिजर्ट में तो बहुत खाया होगा, पर मैं आज इसकी सब्जी बनाऊंगी। ये जोधपुर में बहुत ही प्रसिद्ध है, तो आपको कहीं जोधपुर जाने की जरूरत नहीं है, मैं इसे अब घर में ही बनाऊंगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे गुलाब जामुन। गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने ये 100 ग्राम मावा लिया है और ये 25 ग्राम मैंने पनीर लिया है। पनीर को और मावा को हम अच्छे से क्रश करते हुए मिक्स कर लेंगे। मैं थोड़ा सा इसे कद्दूकस कर लेती हूँ। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाल दूंगी। आप कॉर्नफ्लावर की जगह अरारोट भी डाल सकते हो। हम इसमें अब 1 चुटकी बेकिंग सोडा डाल देंगे, इसे खाना सोडा या मीठा सोडा भी कहते हैं। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स करते हुए इनका सॉफ्ट डो लगाएंगे, जिससे हमारे गुलाब जामुन में क्रैक्स नहीं आएंगे। तो हमें अच्छे से इन्हें मिक्स करना है। अगर हमें फिर भी लगे क्रैक्स आ रहा है तो हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और मिला सकते हैं। ऐसे हमें हथेलियों से मैश करते हुए इसे मिक्स करना है, नहीं तो हमारे गुलाब जामुन फट जाएंगे। इसको मैश करने में 10 से 15 मिनट चले जाएंगे आपको, यही हमारा मेहनत का काम है। अब हमने सॉफ्ट और इसका चिकना डो बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसकी हम छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे। जब हम गुलाब जामुन स्वीट डिजर्ट में बनाते हैं तो हम इसकी थोड़ी सी मोटी गोलियां बनाते हैं। अब हम इसकी सब्जी बना रहे हैं तो इसकी थोड़ी छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे। इसको हमें हल्के हाथों से ऐसे ऐसे मसलते जाना है, क्रैक नहीं आने चाहिए। इस तरह से मैंने सारी गोलियां बनाकर तैयार कर ली हैं। ये मेरी टोटल 10 गोलियां बनी है और हमें ध्यान रखना है कि गोलियों में क्रैक्स नहीं आना चाहिए। अब मैंने पैन में तेल ले लिया है। तेल को हमें ज्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का सा गर्म होने पर ही हम ये अपने गुलाब जामुन फ्राई करेंगे। तेल हमारा हल्का गर्म हो गया है तो हम इसमें एक एक डालते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। और इसको डालते ही मैं हाथ नहीं लगाना है, नहीं तो ये टूटने लगेंगे। और फ्लेम को हमें लो टू मीडियम ही रखना है। जब ये सिकने लगे तो इन्हें फिर हमें पलट पलट के चारों तरफ से सेक लेना है। इन्हें हमें बार बार में कलछी नहीं मारनी है। गुलाब जामुन हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं और एक में भी क्रैक नहीं आया है। गुलाब जामुन बनकर तैयार हो गए हैं। अगर हम इन्हें चाशनी में डालते तो ये स्वीट डिजर्ट का काम कर जाते। अब हम स्वीट डिजर्ट नहीं बना रहे हैं, इसकी सब्जी बना रहे हैं, तो फिर अब इसे इसकी चटपटी ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने एक मिक्सी जार ले लिया है, इसमें मैं एक टमाटर डाल दूंगी। अब इसमें मैं 2 हरी मिर्च डाल दूंगी। 3 मैंने ये छोटे साइज के प्याज लिए हैं, अब मैं ये वो भी डाल दूंगी। इसमें मैं अब 8-10 काजू भी डाल दूंगी और मैं इन सबको पीस लूंगी। अब मैंने इसको पीस लिया है तो मैं इसमें 2 चम्मच दही डाल दूंगी और दही को भी डाल के चर कर लूंगी। और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। 1/2 चम्मच मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। आप पे पेस्ट नहीं हो तो आप साबुत अदरक और साबुत लहसुन भी यूज कर सकते हो। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच नमक। नमक अपने टेस्ट के अनुसार रख सकते हो। अब मैं इसमें 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। मैंने 2 हरी मिर्च भी डाल दी थी इसलिए मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच हल्दी डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर। इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच तेल ले लिया है। तेल हल्का गर्म हो गया है तो मैं इसमें लौंग डाल दूंगी। अब मैं इसमें 2 तेज पत्ता भी डाल दूंगी, 1 चुटकी हींग, 1/2 चम्मच जीरा। अब इसमें मैं ये ग्रेवी डाल दूंगी। इसे हमें लगातार चलाते रहना है, नहीं तो दही हमारी फट जाएगी।
इसमें मैं थोड़ी सी कस्तूरी मेथी भी डाल दूंगी। ग्रेवी ने हमारा तेल छोड़ दिया है तो ग्रेवी अब ठीक हो गई है, तो इसमें मैं थोड़ा सा और पानी डाल दूंगी। ग्रेवी हमारी फिर से थोड़ी सी ठीक होने लगी है, हमें ज्यादा ठीक नहीं करनी है क्योंकि गुलाब जामुन। अब मैं इसमें 2-3 हरी मिर्च स्लाइस की हुई डाल दूंगी, 4-5 काजू डाल दूंगी। आपको किशमिश डालना है तो आप किशमिश भी डाल सकते हो। आधा चम्मच मैं इसमें अब गरम मसाला फिर से डाल दूंगी, मैंने पहले भी डाला था अब मैं दोबारा डाल रही हूँ, इससे अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम इसमें गुलाब जामुन डाल देंगे, इसको हमें ज्यादा नहीं पकाना नहीं तो टाइट हो जाएंगी। जैसे हम पनीर को भी ज्यादा नहीं पकाते हैं, पनीर भी हार्ड होने लगते हैं, उनको सबसे लास्ट में डालना होता है। इसे हमें 2-3 मिनट तक पकाना है। अब मैं इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता और डाल दूंगी। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे 10-15 मिनट ढककर छोड़ देंगे। देखिए गुलाब जामुन हमारे फूल गए हैं और ग्रेवी भी ठीक हो गई है, गुलाब जामुन ने ग्रेवी को सोख लिया है। तो अब हम इसे डिश आउट करेंगे। अब गुलाब जामुन की शाही सब्जी बनकर तैयार हो गई है, ग्रेवी को जितना ठीक होना था उतनी ही ठीक है। गुलाब जामुन हमारे बहुत सॉफ्ट और स्पंजी बने हैं। अगर आपको गुलाब जामुन की सब्जी तुरंत नहीं खानी है तो ग्रेवी को अलग बना लीजिए, गुलाब जामुन को अलग बना लीजिए, फिर आपको ग्रेवी को थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा, उसके बाद उसमें गुलाब जामुन डाल दीजिए और 10-15 मिनट के लिए ढककर रख दीजिए, वो अपनी ग्रेवी को ऑब्जर्व कर लेगा और आपकी सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। मैं आपको कट भी करके दिखाती हूँ कि कितने हमारे सॉफ्ट और स्पंजी गुलाब जामुन बने हैं। आप भी इस तरह से गुलाब जामुन की सब्जी बनाकर देखें और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें। अपने स्वीट डिजर्ट में तो बहुत बार खाए होंगे गुलाब जामुन, आप इस तरह से एक बार सब्जी बनाकर देखिए, आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी। आपको किसी स्पेशल ओकेशन पे बनानी हो या कुछ अच्छा चटपटा खाने का मन कर रहा हो तो आप इस सब्जी को बनाकर खा सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी जरूर बताएं, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाजू में बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि आपको मेरे नए नए वीडियो मिलते रहें। और मैं फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।